सब जानते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स काफी दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान ऐसा क्या हुआ कि इन महिलाओं ने हाय हाय की नारेबाजी शुरू कर दी और उसके साथ ही वहां लगे हुए बैनर भी फाड़ दिए। अब इन महिलाओं की जुबानी सुनिए कि इनका क्या कहना है। ये वुमेन डे मना रहे हैं, हम ब्लैक डे मना रहे हैं। आज पूरा संसार वुमेन डे मना रहा है और हम यहाँ पर खड़े होकर ब्लैक डे मना रहे हैं। आज यहाँ पर इन्होंने अपने किराए के लोग लाए हुए हैं, जिनको एक एक फ्रूटी और बिस्कुट दे के ये भेज देंगे, उनको बुला के अपनी जय जयकार कर रहे हैं। जब हम स्टेज पर गए इनसे बात करने के लिए, सत शर्मा ने इतनी बदतमीजी से बात की, उसने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, तो यहाँ पे क्यों आया हुआ था? वो किससे मिलने आया था? अपनी जयजयकार करवाने आया था, उसको चाहिए था आज वुमेन से बात करने आई है, इनसे बात सुनूं और इनका मसला हल करूं। उसने हमारी कोई बात नहीं सुन ली है, इसलिए हम बीजेपी को हाय हाय करते हैं। बीजेपी हाय हाय। आपने देखा कि इन महिलाओं का क्या कहना था, ये किस तरीके का बर्ताव किया गया है। इस पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिरकार सरकार के नुमाइंदों के द्वारा ऐसा क्या किया गया कि ये महिलाएं इतनी भड़क गईं।